न्यूज़ सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। NIR बनाएंगे निरुमा आम्रपाली और अक्षरा सिंह के साथ फिल्म। भोजपुरी फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता व सांसद दिनेश लाल यादव निरुमा खूबसूरत अभिनेत्री आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह को लेकर भारतीय मूल के लंदन निवासी अभिषेक की कुमार फिल्म बनाने वाले हैं। वे दिनेश लाल यादव और आम्रपाली दुबे के साथ निरुमा हिंदुस्तानी चार प्रवेश लाल यादव व नीलम गिरी के साथ घूंघट में घोटाला तीन को लेकर आए हैं। जबकि भोजपुरी इंडस्ट्री में इन तीनों सबसे डिमांडिंग अभिनेत्री अक्षरा सिंह 5 फिल्मों के लिए साइन कर चुकी है। इन सारी फिल्मों की शूटिंग अप्रैल माह में शुरू होने वाली है। फिल्म की शूटिंग लंदन में होगी। इन सभी फिल्मों के प्री प्रोडक्शन का काम तेजी से चल रहा है। वहीं अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर अभिषेक किंग कुमार ने कहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री इन दिनों तेजी से ग्रो कर रही है और इसके दर्शक वर्ग की संख्या भी बढ़ रही है। इसलिए हम भोजपुरी में आने वाले दिनों में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी अधिकांश फिल्म की शूटिंग लंदन में ही होगी। हमने इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। अभिषेक किंग कुमार ने बताया कि हमारी सभी फिल्म अलग अलग जोनों की है जिसकी कहानी एक से बढ़कर एक है। फिल्म की शूटिंग हम अप्रैल महीने से करने वाले हैं तो सभी को इसको लेकर सहज है। अभिषेक ने कहा कि इंडिया और भोजपुरी से उनका पुराना नाता है, इसलिए वे अपने वतन और माटी के लिए कला के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। ऐसे में भोजपुरी सिनेमा को चुना और एक के बाद एक कई फिल्मों में निर्माण की घोषणा करती है। अभिषेक ने कहा कि दिनेश लाल यादव, निरुमा आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह इस इंडस्ट्री के सबसे मंझे हुए खिलाड़ी है और वे हमारी फिल्म की कहानी में फिट भी नजर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी फिल्म लोगों को खूब पसंद आएगी। उन्होंने कहा कि कला का दायरा नहीं होता और इसलिए आज भोजपुरी सिनेमा सिर्फ यूपी बिहार में नहीं पूरे दुनिया में अपना नाम बुलंद कर रही है। तभी आज हम सभी सार्थक और मनोरंजक फिल्म को लेकर तैयार हुए हैं। खासकर महिला दर्शकों के लिए हमारी फिल्म में बहुत कुछ होने वाला है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए और अपना सुपरस्टार कलाकारों को देखें हमारी फिल्म में। राजा मौली की छत्रपति का हिंदी रिमेक 12 मई को होगा रिलीज। SS राजा मौली की 2005 की तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति की आधिकारिक हिंदी रिमेक, जो तेलुगु अभिनेता श्रीनिवास बेलमकोंडा की एक पहली बॉलीवुड शुरुआत भी है, 12 मई को अखिल भारतीय रिलीज के लिए तैयार है। छत्रपति का एक्शन से भरपूर टीजर जिसे गुरुवार को जारी किया गया था, बेलमकोंडा द्वारा प्रमुख चित्रित का परिचय दिया गया। बेलमकोंडा ने कहा कि मैं छत्रपति जैसी विशेष फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने को लेकर खुश हूँ, जो एक रोमांचक और आकर्षित समूह एक्शन फिल्म है। इस फिल्म पर काम करने का हर पल उनका ही रोमांच था, जितना ही यह चुनौतीपूर्वक था और आखिरकार हम खुश हैं इसे भारत भर के दर्शकों के सामने पेश करें। यह फिल्म SS राजामौली की तेलुगु ब्लॉकबस्टर छत्रपति आधिकारिक हिंदी रीमेक है और इसे उनके पिता और अनुभवी लेखक विजय चंद्र प्रसाद ने लिखा है, जिन्हें RRR बाहुबली सीरीज और RRR जैसी फिल्मों में उनके उल्लेखनीय काम के लिए जाना जाता है। पेन स्टूडियोज के जयंतलाल गाड़ा द्वारा निर्मित और विनायक द्वारा निर्देशित बड़े टिकट बड़े एक्शन एंटरटेनमेंट का निर्माण किया जा रहा है। SS राजामौली की छत्रपति अखिल भारतीय दर्शकों के लिए फिर से कल्पना करने के लिए एक आदर्श परियोजना थी। बेहद प्रभावशाली श्रीनिवास बेलमकोंडा को पूरी तरह से नए बाजार में पेश करने के अलावा फिल्म में मुख्य धारा के मनोरंजन के सभी आवश्यक घटक भी है। छत्रपति एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बतलाता है जो बड़े पैमाने पर शोषण के अधीन प्रवासियों के रक्षक बनने के लिए उत्पीड़न के खिलाफ उठता है। मल्ला मर्डर से वेब सीरीज की दुनिया में कदम रखेगी वाणी कपूर। 30 मार्च बॉलीवुड अभिनेत्री वाणी कपूर यशराज फिल्म्स की नई वेब सीरीज मल्ला मर्डर के जरिए OTT की दुनिया में कदम रखेगी। निर्माताओं ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मंडला मर्डर्स में वाणी कपूर के अलावा वैभव राज गुप्ता, सुरविंद चावला और जमील खान भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। निर्माताओं की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मंडला मर्डर्स के निर्देशन की जिम्मेदारी गोपी पुत्र को सौंपी है, जबकि
मनन राव इस वेब सीरीज के सह निर्देशक होंगे। विज्ञप्ति के मुताबिक मंडला मर्डर्स की शूटिंग शुक्रवार से उत्तर प्रदेश में शुरू होगी, जिसके बाद दिल्ली और मुंबई में भी इस वेब सीरीज के कुछ दृश्य फिल्माए गए। वाणी कपूर ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग एजेंसी एलिट मॉडल मैनेजमेंट से मॉडल के रूप में की थी। उन्होंने पायल सिंगल और सेलेक्स नायरंग बम जैसी प्रसिद्ध फैशन डिजाइनरों के साथ काम भी किया। उन्होंने कैडबरी डेरी मिल्क सिल्क ओप्पो मोबाइल्स और त्रिभुवन दास भीम जी ज्वेलर्स सहित कई टीवी विज्ञापनों में भी काम किया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा लिंक ट्विटर हाईकुक फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।